नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोए सौवसा कम्मट्ठ जनिय वेयण उवै समुत्तिन्नये जिनेणमिवुं वेयण माहियारं विविहैयारं करुवेमो पान नंबर 44 पर शंका है मिथ्यात्व इस 44 पेज पर नीचे की दूसरी शंका जो है वो इससे क्या सिद्ध होता है माने वहां पर ऊपर बताया ना कि विशुद्ध और संक्लेश इन दोनों से अनुलोम रूप से ही प्रदेश विन्यास होता है ऐसा क्यों नहीं मानते नहीं क्योंकि विरुद्ध कारणों से एक कार्य होता है ऐसा मानने में विरोध आता है ये उच्चारणाचार्य का अभिप्राय कहाँ है इससे त्याग के बल से जगन सत्कर्म को प्राप्त हुए जीव के ने सत्ता जिसके जगन को प्राप्त हुई है ऐसे जीव के मिथ्यात्व का जो अपना जगन सत्व प्राप्त होता है उससे नरक गति में उसका सत्व असंख्यात्व भाव अधिक सिद्ध होता है जगन्य सत्व जो है उससे असंख्यात्व उसको असंख्यात का भाग दो जितना है उसमें मिलाओ उतना अधिक है ऐसा हाँ किंतु भूत बोले भट्टारक के अभिप्राय से उच्चारणाचार्यांचा अभिप्राय वर सांगित ऊपर कहा लेकिन भूत बले भट्टारक के अभिप्राय से विलोम विन्यास का कारण गुणित कर्मांशिकत्व और अनुलोम विन्यास का कारण शपित कर्मांशिकत्व है न कि संक्लेश और विशुद्धि उच्चारणाचार्य की अपेक्षा से उन्होंने ऊपर बताया कि संक्लेश और विशुद्धि से इस प्रकार फर्क पड़ता है तो यहाँ उन्होंने जो भूत बले आचार्य है उन्होंने संक्लेश और विशुद्धि कारण नहीं दिया गुणित कर्मांशिकत्व की जो प्रदेश रचना होती है पहले निषेक में ज्यादा परमाणु और फिर आगे कम कम होते ये अनुलोम रचना कही जाती है इसको तो इसका कारण क्या है तो वह जो शपित कर्मांशिक है तो कम योग से कम इससे उसने प्रदेश बंद किया है और गुणित कर्मांशिक वाला कौन सा लेना कि जिसके योग ज्यादा है बाधप वगैरह है जीव तो वह ज्यादा बड़ा समय प्रबद्ध मानता है तो उसकी जो प्रदेश रचना होती है प्रदेश बंद की अपेक्षा से वह विलोम क्रम से होती है तो इस अनुलोम और विलोम होने का कारण क्या है तो यदि वह जीव गुणित कर्मांशिक है तो उसके विलोम रचना होगी और शपित कर्मांशिक है तो उसके अनुलोम रचना होगी ये उसका कारण है ऐसा बुद्ध बोले बट आचार्य का मत है संक्लेश से विलोम होगी और विशुद्धि से अनुलोम होगी ऐसा नहीं एक है ना अब एकेंद्र की चिंता मत करो फिर आगे देखेंगे पेज नंबर 50 है कल जो बताया था उसमें थोड़ी सी गलती रह गई है वो अभी बताती हूँ आपको नोट्स में ही सुधार करना है 11 नंबर पेज जो कल नक्शा देखा था वो आखिर की लाइन है ना वहां पर 49 पेज पर वो पढ़ने से मेरे को गलती समझ में आई शंका पूछे थी यह समय प्रबद्ध कर्म स्थिति का कितना काल जाने पर बांधा गया है पुस्तक में और समाधान क्या कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त कम त्रस स्थिति से रहित वर्तमान समय प्रबद्ध की स्थिति मात्र चढ़कर बांधा गया है इसका अर्थ क्या है उसको बोल्ड पर देखते एक मिनट समय प्रबद्ध अभी उसके सत्ता में पड़े हुए हैं इस जीव के तो किसका कितना उत्कर्षण होता है ये सब बात अपने देखी थी वो सब बराबर है उसमें कुछ ये नहीं है अब
मतलब इसका जो उत्कर्षण होगा इस समय में बांधे हुए समय प्रबुद्ध का, उसका उत्कर्षण कहाँ होगा? वहां 20वें समय तक, मतलब इसके 1000वां समय लेना और नया समय प्रबुद्ध उसका 20वां समय लेना, वहां तक ही होता है। दूसरे समय में बांधा था उसका एक समय आगे तक उत्कर्षण होगा। इस प्रकार आगे आगे बढ़ते गए, एक एक समय आगे आगे उत्कर्षण होता गया। अब यह प्रश्न क्या किया है कि यहाँ जो नया समय प्रबद्ध बांधा है उसकी अंतिम स्थिति तक किसका उत्कर्षण होगा? तो जिसकी इस इतनी शक्ति स्थिति शेष रही है, जिस समय प्रबद्ध की कितनी शेष रही है, 100 समय जिसकी शक्ति स्थिति शेष रही है, उसका ही यहाँ पर उत्कर्षण अंतिम स्थिति तक होगा, ये बताया था ना। तो मैं हमारी गलती क्या हुई थी कि यहाँ से लेकर हमने 100 समय लिया, लेकिन वो 100 समय नहीं लेना, वहां शब्द क्या है, त्रस स्थिति से कम अभी वर्तमान में जो समय प्रबद्ध बांधा है उसमें से कम करो त्रस स्थिति, क्योंकि अभी वह जो यहाँ नहीं गया है, यहाँ पर है, मतलब 20 समय अभी कम है उसमें, 20 अपने माना हुआ 1000 में अभी 20 कम है, तो आगे उसकी कितनी शक्ति स्थिति रहेगी? ये समय प्रबद्ध की रचना भी यहां से हुई ना, तो ये 80 रह गई ना वहां पर, ये जो पुरानी कर्म अपनी जो कर्म स्थिति है उससे जो नया समय प्रबद्ध अपने बांधा है उसके आगे कितनी है, 80 है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर 80 समय ऊपर गया हुआ जीव उसके जो उत्कर्षण होगा, तो यहाँ पर 81वां समय लेना, यहाँ मतलब उसको असली भाषा में वास्तविक भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि कर्म त्रस स्थिति से रहित, अंतर्मूर्त कम त्रस स्थिति से रहित जो नया समय प्रबद्ध बांधा है उसकी जो स्थिति है उतने समय आगे जाकर के बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है। अभी वर्तमान में अपने स्थिति कितनी बांधी है, 100 समय, और त्रस स्थिति कितनी माने अपने, 20 समय, तो इसको माइनस करो जितना शेष रहा 80, तो 80 समय ऊपर जाकर के बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका उत्कर्षण, क्योंकि यहां से ये इसकी शक्ति स्थिति अभी कितनी शेष रही है, पूरे कर्म 20 मतलब ऐसे 100 समय है उसकी शक्ति स्थिति, लेकिन वो 20 समय इसी में आ जाएंगे ना वो, हाँ इसलिए हाँ, इसकी 100 समय रह गई है इसकी शक्ति स्थिति, जो 100वां समय है उसकी तो और ज्यादा है ना, क्योंकि वो हाँ 120 है उसकी, ये जो अपने कल 101 लिया था ना उसकी शक्ति स्थिति तो कितनी है, कर्म स्थिति के ऊपर 100 समय, क्योंकि पहले समय से बांधा हुआ 100 है, तो कर्म स्थिति के ऊपर 100 समय उसकी शक्ति स्थिति शेष रहेगी, तो इसकी अभी कुल 120 रही है, तो 100 समय किसके रही है, 81वें समय में हमने जो बांधा है उसकी जो शक्ति स्थिति शेष है वो कितनी रही है, अभी 100 समय ही रही है, तो इसका उत्कर्षण करेंगे तो कहां तक उसका उत्कर्षण होगा, यहां अंतिम स्थिति तक होगा, फिर इसके आगे जो बांधे हुए समय प्रबद्ध है सबका जो उत्कर्षण है वो अंतिम स्थिति तक होगा, उसके आगे उसकी शक्ति स्थिति भले है लेकिन अपने पास समय प्रबद्ध इतना बड़ा नहीं, तो इतनी शक्ति नई स्थिति इतनी नहीं है इसलिए वहां तक ही उत्कर्षण होगा। तो यहाँ पर नोट्स में जो लिखा है ना, जहां पर 101 लिखा है वहां पर 81 करना, 100 लिखा होगा तो वहां 80 करना, 102 लिखा है तो वहां 82 करना, ये इस लाइन में किया करना, फिर यहाँ पर भी ये समय प्रबद्ध दिखाया है, उत्कर्षण का दिखाया है, यहाँ 101 लिखा है, 102 लिखा है, यहाँ पर भी 82 करना, ते वर है ते ऊपर 101001 और 1002 ऐसा लिखा है वो। तो यहाँ दो जगह, यहाँ पर दो जगह सुधार करना, और जहाँ लिखित रूप से बताती हूँ अभी जो लिखा है वहां पर क्या बोले, हाँ उत्कृष्ट संचय तो यहाँ दिखाएंगे, चाहिए वहां पर 101 लिखा है ना वहां पर, हाँ 81वे खाली शंका समाधान, हाँ तिथे 101 च्या ठिकाणी तिथे खाली, हाँ समाधान में करना है, शंका में बराबर है,
शंका में क्या है, वर्तमान में बंधे हुए सौ समय प्रमाण स्थिति तक उत्कर्षण किस समय प्रबद्ध का होगा? हजार समय प्रमाण कर्म स्थिति के 81वें समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का उत्कर्षण वर्तमान में बंधे हुए सौ समय प्रमाण कर्म के अंतिम स्थिति तक होगा, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति सौ समय शेष है। इस आगे का बराबर है, अब नीचे से तीसरे लाइन लेना, वहां पर 102 103 है, वहां पर 82 और 83 करना है। नीचे से तीसरी लाइन उत्कर्षित समय प्रबद्ध खाली लिहिले ना, तिथे 81 प्रथम द्वितीय तृतीय झाल्यावर 101 आहे ना, तिथे 81 करायचं आणि त्याच्या पुढे 82 करायचं। 101 आणि 102 ज्या ठिकाणी आहे, हा दोन्ही ठिकाणी करायचं, दोनों जगह करणं, इधर प्राचीन में भी करणार, इधर भी करणार, उत्कर्षित समय प्रबद्ध में भी करणार। तिथे 81 करायचं, तिथे 82 करायचं, हा 81 82 करायचं। शेवटीच्या कल पीरियड में लास्ट में पढ़ा ना, तो मुझे शंका हुई थी, फिर मैंने जाके देखा तो फिर वो गलती समझ में आ गई। पुस्तक आहे थोडं किती तर पाहिजे असलं तर चला। 50 नंबर पेज है, अब आगे पुस्तकात 50 पान, 50 पानावर प्रकरण क्या चल रहा है कि ज्ञानावरण कर्म का उत्कृष्ट संचय कहाँ पर होता है? तो उस जीव को पहले कहाँ से स्टार्ट किया? बादर पृथ्वी का एक पर्याय में त्रस अंतर्मूर्त कम त्रस्थिति काल कम, इतने काल तक बादर पृथ्वी का एक में उसको घुमाया, और घुमाते समय भी हर समय उसके पर्याप्त भाव ज्यादा, अपर्याप्त भाव कम, पर्याप्त काल अधिक, अपर्याप्त काल कम, उसके परिणामों की संक्लिष्टता, बहुत बहुत बार संक्लेश को प्राप्त होता है, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योगों को प्राप्त होता है। आयु कर्म का बंद करते समय जगन योग से आयु का बंद करता है, ऐसा जीव लेना, फिर वह पूरा बादर पृथ्वी का एक से निकल करके जब त्रस स्थिति काल शेष रहा कर्म स्थिति में, तब वह त्रस पर्याय में प्राप्त हो गया, सऊदी पंचेंद्र पर्याप्त हो गया या त्रसद हो गया, ऐसा लिखा है ना वहां पर सामान्य, हाँ सामान्य, त्रस पर्याप्तक में गया, तब त्रस पर्याप्तक में उत्पन्न होने के बाद अब क्या क्या सामग्री वहां पर प्राप्त होती है वो बता रहे हैं आगे। 50 नंबर पेज सूत्र नंबर 15 है, तथ्य संसार मानस बहुवा पज्जत भवा थोवा अपज्जत भवा। वहां परिभ्रमण, वहां परिभ्रमण करने वाले उक्त जीव के पर्याप्त भव बहुत होते हैं और अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं। ये कारण पहले के समय समझना। इस सूत्र द्वारा भववास की प्ररूपना की गई, भवावास की प्ररूपना की गई है। आवाज शब्द दिया है ना, उस छह प्रकार के आवाज बताए हैं, तो उसमें एक भवावास है। पर्याप्त भव अधिक लेना और अपर्याप्त भव कम, उसको भवावास कहा। इसका अर्थ पूर्व सूत्र 7 के समान कहना चाहिए। शंका, एकेंद्रियों के कहे गए 6 आवासों का यहाँ फिर से कथन किस लिए किया जाता है? समाधान, एकेंद्रियों में जो 6 आवास कहे हैं वे ही त्रस कायिकों में भी होते हैं, अन्य में नहीं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ फिर से उनका कथन किया है। ये हमेशा आता है ना, 6 आवास कौन से, तो भवावास पहला हो गया, दूसरा है अद्धावास, अभिक्रम से बताएंगे आगे, अद्धावास मतलब काल लेना,
आयु आवास मतलब जब आयु का बंध करता है तो जगन योग से बंध करता है, ये आयु आवास होगा। फिर अपकर्षण उत्कर्षण आवास, उत्कर्षण अधिक करना अपकर्षण कम करना, और योगावास मतलब बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग को प्राप्त होता है वो योगावास लेना, और संक्लेश आवास मतलब बहुत बहुत बार संक्लेश को प्राप्त होता है। ये छह प्रकार के आवास हैं, उसका भी वर्णन करते हैं आगे। देहाओ पज्जत तद्धाओ रहस्याओ अपज्जत तद्धाओ। पर्याप्त काल दीर्घ होता है और अपर्याप्त काल थोड़ा होता है। इस सूत्र द्वारा अद्धावास की प्ररूपना की गई है। अद्धा मतलब काल होता है ना, तो पर्याप्त काल अधिक लेंगे तो योग ज्यादा होगा, तो ज्यादा संचय होता है। शेष कथन सुगम है। जदा जदा अवगम बंदरी तदा तदा तक पाओग जहन्नये न जोगे न बंदरी। जब जब आयु को बांधता है तब तब उसके योग्य जघन्य योग से बांधता है। इस सूत्र द्वारा आयु आवास को आवास की प्ररूपणा की गई है। शेष कथन सुगम है। कल इसका भी खुलासा हुआ है, जघन्य आयु से आयु बांधते हैं तो ज्ञानावरण का घाटा ज्यादा नहीं होता है। बराबर, उत्कृष्ट योग से बांधेंगे तो वायु को भी बंटवारा चला जाएगा तो इसको कम मिलेगा। वर्लीनम ठेदीनम निसयस्स उक्कस्स पदे हेट्टिलीनम ठेदीनम निसयस्स जहन्न पदे। उपरीम स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है और नीचे की स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है। जो अपनी निषेक रचना है ना उसका वो उल्टा क्रम दिखाने के लिए, ऊपर अधिक और नीचे कम करना, नीचे पतला करना और ऊपर जाड़ा करना। तो उपरीम पद दो प्रकार से, बद्यमान में भी और उत्कर्षण जो किया गया उसमें भी। इस सूत्र द्वारा अपकर्षण उत्कर्षण आवास का कथन किया गया है, अथवा अपकर्षण उत्कर्षण और बंध के प्रदेश विन्यास आवास का कथन किया गया है। उल्टा गोपुच्छा कर लेना। शेष कथन सुगम है। बहुसो बहुसो उक्कसानि जोगठानानि गच्छदि। बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है, इसके द्वारा योगावास की प्ररूपना की गई है। शेष कथन सुगम है। बहुसो बहुसो बहु संकलेश परिणामो भवति। बहुत बहुत बार संकलेश परिणाम वाला होता है, इसके द्वारा संकलेश आवास की प्ररूपना की गई है। शंका, संकलेश आवास का प्रदेश विन्यास आवास में अंतर्भाव क्यों नहीं किया गया है? समाधान, संक्लेश प्रदेश विन्यास का कारण नहीं है, किंतु गुणित कर्मांशिकत्व उसका कारण है। इस कारण प्रदेश विन्यास आवास में अंतर्भाव नहीं किया गया, नहीं किया है। संक्लेश परिणामों से बंध ज्यादा नहीं होता है, कर्षण ज्यादा होता है। एवं संसरे दोन अपच्छिमे भवगहने अधो सप्तमाये पूर्वीय नेरयेसु उवन्नो। इस प्रकार परिभ्रमण करके अंतिम भव ग्रहण में नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। अब यह अंतिम भव ग्रहण कहते ना, यहाँ इस कर्म स्थिति की अपेक्षा से लेना नहीं, तो त्रस पर्याय का अंतिम यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि वह नरक में से निकल करके वो एकेंद्र में पैदा नहीं हो सकता है। तो कोई ना कोई पहले त्रस पर्याय धारण करेगा, फिर ही वो एकेंद्र में जा सकता है। शंका, अंतिम भव में नारकियों में किस लिए उत्पन्न कराया है? समाधान, उत्कृष्ट संक्लेश से उत्कृष्ट स्थिति को बांधने के लिए और उत्कृष्ट उत्कर्षण करने के लिए वहां कराने के लिए वहां उत्पन्न कराया है। शंका, उत्कर्षण किसे कहते हैं? समाधान, कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण कहलाता है। उदयावली की स्थिति के प्रदेशों का उत्कर्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है।
तथा उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का उत्कर्षण उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का उत्कर्षण नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता चाहिए, इसलिए वो कंस में किया, वो मूल में नहीं मिला होगा उनको, इसलिए कंस में दिया है उसको। सभी स्थितियों का उत्कर्षण नहीं किया जाता है, किंतु चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अति स्थापना रूप से स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है, क्योंकि ऊपर स्थिति बंध का अभाव है, यह जघन्य उत्कर्षण है। पुनः उपरिम स्थितियों में अति स्थापना को आवली मात्र प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए, फिर ऊपर निक्षेप की ही वृद्धि होती है। अति स्थापना और निक्षेप का अभाव होने से नीचे उत्कर्षण नहीं होता है। उत्कृष्ट अति स्थापना एक समय अधिक आवली से न्यून आबाधा प्रमाण है और जघन्य अति स्थापना आवली प्रमाण है। ये अपना लब्धिसार में विषय हुआ है अति स्थापना और निक्षेप का, उसको एक बार रिवीजन करते हैं तो जिनको समझ में आए उनके पुष्ट हो जाएगा, जिनको मालूम नहीं उनको मालूम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी नोट्स में दिया है संक्षेप में, तो यहाँ पर पहला एक प्राचीन समय प्रबद्ध है, अब इसका उत्कर्षण करना है तो इसका नया बंध उस समय होना चाहिए, तो इसकी स्थिति इतनी प्राचीन समय प्रबद्ध की थोड़ी सी कम निकल, और यहाँ पर नया जो समय प्रबद्ध बांधा है आबादा को छोड़कर ऊपर स्थिति बंध होगा, तो ये आबादा है इस समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसकी ये आबादा है तो इसको खाली छोड़ते हैं, और इसके ऊपर इसकी रचना होगी, ऐसे अपन त्रिकोणाकार भी निकाल सकते हैं। तो यह जो प्राचीन समय प्रबद्ध है इसकी जो अंतिम विषय है इसका उत्कर्षण कब होगा, जब नया स्थिति बंध इससे दो आवली के असंख्यात भाग तो कम से कम अधिक होना चाहिए, आवली के दो असंख्यात भाग, मतलब एक आवली का असंख्यात भाग अति स्थापना, मतलब जहां द्रव्य नहीं दिया जाएगा कम से कम उतना तो उसकी स्थिति बढ़ेगी, और जहां देना है वो आवली का असंख्यात भाग मतलब निक्षेप कहेंगे उसको, तो ये दो आवली के असंख्यात भाग इससे इसका स्थिति बंध अधिक हुआ है। तो इस यहाँ पर अपन समझे कि ये पचासवा निषेक है, ये पचास समय की स्थिति है, और यहाँ पर अपन ने कितने बांधे, अट्ठावन समय की स्थिति बांधी है, तो इससे दो आवली के असंख्यात भाग अधिक स्थिति बंध हुआ, तो यहाँ पचासवे समय का उत्कर्षण करना है, पचासवे समय के निषेक का, तो उसकी अति स्थापना कहाँ होगी, इसके ऊपर, तो इक्यावन से लेकर के चौवन तक इसको अति स्थापना होगी, मतलब यहाँ का निषेक इसका पर यहाँ के जो द्रव्य है वह उठा करके यहाँ नहीं दिया जाएगा, इसको लांग करके ऊपर दिया जाएगा, इसलिए इसको अति स्थापना कहते हैं, और यहाँ दिया कहाँ दिया गया, पचपन से लेकर अट्ठावन तक स्थिति में दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, निक्षेप, जहां दिया जाता है उसको कहते हैं निक्षेप, यह परमाणु ये यहाँ जो पचासवें समय में उदय में आने वाले थे वे आप पचपन से लेकर के अट्ठावन समय तक उदय में आने योग्य हो गए, तो उसका उत्कर्षण हो गया। तो जघन्य अति स्थापना और जघन्य निक्षेप बताया, कम से कम आवली का असंख्यात भाग इतना अति स्थापना होनी चाहिए, एक समय दो समय अति स्थापना है तो वहां पर समझो पचास समय यहाँ का स्थिति बंध है और यहाँ हमने एक कम समय स्थिति बंध किया तो इसका उत्कर्षण नहीं होगा, इस अंतिम समय का जिसका होना योग्य उसके हो सकता है। अब इसके नीचे के जो निषेक है उनचासवा निषेक है उसका उत्कर्षण, एक साथ ही सबका उत्कर्षण होता है लेकिन एक एक की अपेक्षा से अति स्थापना और निक्षेप देखा जाता है, ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग का उत्कर्षण है, सभी का एक साथ में हो रहा है, तो ऐसे नीचे उनचासवा समय है उसका उत्कर्षण होना है,
तो कहां से कहां तक उसकी अति स्थापना होगी? तो 50वें समय इसके ऊपर से ही अति स्थापना समझना, 50वें समय से लेकर के 54 तक, वहां पर भी वो अभी बताते हैं सुधार करना है, उसमें थोड़ी गलती हुई है। तो 50वें समय से लेकर के 54 तक अति स्थापना होगी, मतलब अति स्थापना में एक समय बढ़ गया और निक्षेप उतना ही रहा 55 से लेकर 58 तक इसके उत्कर्षण में। इस प्रकार अति स्थापना जो है नीचे नीचे के निषेकों की 48, 47, 46 ऐसे एक एक नीचे के निषेकों की अपेक्षा अति स्थापना एक एक समय बढ़ती जाएगी। तो जब वहां पर समझो अपन ने अवली 16 समय की मानी है, तो यहाँ 16 समय जब हो जाएंगे 54 से लेकर के 16 समय के यहां तक होंगे 49 तक, 49 से लेकर 54 तक, मतलब यहाँ का यहां से नीचे कितना जाना है, मतलब 12 जाना पड़ेगा ना यहाँ पर। हाँ यहाँ कितना नहीं 49 नहीं 39 चाहिए, यहाँ जो 38वां समय निषेक होगा 38वां निषेक पहले समय से, तो उसकी अति स्थापना पूरी कितनी हो जाएगी 39 से लेकर के 54 तक पूरे अवली प्रमाण हो गई। और निक्षेप वहां तक सभी का कितना रहेगा, ये अवली का असंख्यात्वा भाग, इन सभी निषेकों का द्रव्य कहाँ दिया जाएगा, या ऊपर अवली के असंख्यात्व भाग में दिया जाएगा, इतने निषेकों में नहीं दिया जाएगा। फिर वहां से नीचे के जो निषेक होंगे फिर उसकी अति स्थापना एक एक समय नीचे आएगी, उतनी ही रहेगी खाली उसका स्थान नीचे होगा और निक्षेप एक एक बढ़ता जाएगा। मतलब 37वां निषेक है इसकी अति स्थापना 38 से लेकर के 53 तक होगी, और निक्षेप कितना होगा 54 से लेकर के 58 तक, मतलब 5 समय होगा, एक बढ़ गया। इस प्रकार नीचे नीचे की अपेक्षा से देखेंगे तो अति स्थापना जहां जिस परमाणु को उठाया है, जिस निषेक के परमाणु को, उसके अति स्थापना उसके ऊपर से लेकर के एक अवली छोड़ना और उसको ऊपर देना, जितनी भी स्थिति ऊपर हो उतने ऊपर की स्थिति में देंगे, लेकिन शक्ति स्थिति जितनी है उतनी तक ऊपर भी, अभी जब उत्कृष्ट देखेंगे तो वो देखेंगे। इस प्रकार नीचे नीचे मतलब के निषेकों की अति स्थापना, और यहाँ नियम बताया उन्होंने उदयावली के परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं होता है, जो अवली के भीतर परमाणु आ गए अभी वर्तमान समय से उनका उत्कर्षण नहीं किया जाता है, जो उदयावली को प्राप्त हुए उनके नियम से वहां पर उदय होगा या स्त्रीभुक संक्रमण हो सकता है, लेकिन अन्य कोई भी उसका कारण अपकर्षण उत्कर्षण नहीं हो सकता है। अपकर्षण करके द्रव्य अपन अवली में उदयावली में दे सकते हैं, लेकिन उदयावली का द्रव्य उठा करके बाहर नहीं कर सकते उसको, केवल अन्य प्रकृति रूप से होकर के उदय में आ सकता है उदयावली का भी, उसका उदय खत्म हो गया समझो, असाता का उदय चल रहा था, अब साता का उदय आ गया, तो असाता की उदयावली जो है वो साता रूप से परिणमित होगी, और जब असाता का उदय आएगा तो साता की उदयावली असाता रूप से परिणमित होकर के उदय में आ सकता है, लेकिन उसका अपकर्षण उत्कर्षण नहीं हो सकता है, अन्य कोई संक्रमण नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये जगन्य अति स्थापना जो उदय रूप परमाणु है उनका अन्य प्रकृति रूप होकर के उदय में आना, ये स्त्रीभुक संक्रमण कहलाता है ना, हो सकता है उदयावली के परमाणु का स्त्रीभुक संक्रमण होगा, ये अभी ये बताया एक एक की अपेक्षा से अलग अलग अति स्थापना, लेकिन एक एक का उत्कर्षण नहीं हो रहा है, उत्कर्षण सभी जैसे अभी 16 समय की उदयावली छोड़ करके 17वें समय से लेकर के 50वें समय तक के जो निषेक हैं उन सब में से उत्कर्षण थोड़ा 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 द्रव्य लेकर के उसका उत्कर्षण हो रहा है, तो एक साथ ही हो रहा है ना सबका उत्कर्षण, लेकिन अति स्थापना सबके एक, एक, एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी अति स्थापना। ये जो ऊपर दिखाई जाती है वो लास्ट तक की अपेक्षा से दिखाई जाती है। अब यहाँ उत्कृष्ट भी बताया ना अति स्थापना कितनी है, अभी नहीं उत्कर्षण में 51 पेज पर 52 दुरुस्ती कराची उत्कृष्ट अति स्थापना, त्याच्यामध्ये
पचपन झाले ते चौपन्न करायचंय. 12 पेज नंबर आहे ना, उसमें नीचे से लाइन, नीचे से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन समझो, वहां पर 54 से 58 हो गया है. तो 54 से चाहिए, 54 55 से चाहिए, 55 से 58 तक. फिर उसके ऊपर और दो लाइन जाना, फिर वहां 54 तक अतिस्थापना लिखा है, 55 तक लिखा है, 54 तक चाहिए, 50 से 54 तक अतिस्थापना ऐसा चाहिए. फिर 48वें स्थिति के उत्कर्षण में 49 से 54 तक चाहिए, 55 तक हुआ है ना, 55 हुआ है, वहां 54 चाहिए. तीन ठिकाणी करायचे, 55 है वहां 54 चौवन करना, और जहां 54 हुआ है वहां नीचे की दूसरी तीसरी लाइन में 55 करना है. हाँ, सीधी सीधी पंक्ति पढ़ती हूँ. नीचे से पांचवी लाइन से, उसके नीचे की स्थिति के 49वें स्थिति के उत्कर्षण में 50 से 54 तक अतिस्थापना चाहिए. वो 55 हुआ है ना, वहां 54 चाहिए. फिर 48वें स्थिति के उत्कर्षण में 49 से 55 तक हुआ है, वहां 54 तक चाहिए अतिस्थापना. इस प्रकार अतिस्थापना अवली प्रमाण प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए, तब तक निक्षेप उतना ही, अर्थात 55 से 58, वहां 54 से हुआ है वहां 55 से 58 तक रहता है. उसके बाद अतिस्थापना अवली प्रमाण ही रहती है, वो आगे हो सही है. तो बराबर है कि 50वें स्थिति के उत्कर्षण में 51 से 54 तक अतिस्थापना बराबर है, और 55 से 58 तक निक्षेप होता है, बराबर है. सर मतलब दूसरे कौन सा है? हाँ, उत्कृष्ट अतिस्थापना, एक समय अधिक आवली से न्यून आबादा प्रमाण. एक समय अधिक आवली से न्यून आबादा प्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है उत्कर्षण में. उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा अतिस्थापना कितनी होगी? आवली प्रमाण तक तो ले गए, लेकिन उत्कृष्ट कितनी हो सकती है? उसका जब अपने देखा था पहले इसमें लब्धिसार में, तो कोई जीव है उसने क्या किया, पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधी, ज्ञानावरण की ले लो, उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया, तो उत्कृष्ट स्थिति कितने 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, उतना बंद किया. लेकिन हाँ, यहाँ पर अपन उसको 1000 मान लेते, 30 कोड़ाकोड़ी सागर को 1000 मान लेते, तो 1000 का उसने क्या किया, स्थिति बंद किया पहले, फिर यहां से लेते, फिर इसके बंदावली व्यतीत हुए, तो इसकी निषेक रचना होगी तो कैसी होगी? आबादा को छोड़कर, आबादा कितनी है? 3000 वर्ष, उसको आपने यहाँ पर 50 समय मान लिया, 3000 को, तो वहां ये आबादा छोड़ करके उसके ऊपर निषेक रचना होती है. लेकिन एक आवली बीतने तक इसमें कुछ नहीं होगा, एक आवली बीतने के बाद क्या होगा? वहां पर 17वें समय में, 16 समय की बंदावली बीत गई, तो 17वें समय में क्या होगा कि इसका अपकर्षण होगा. तो अपकर्षण करके द्रव्य आबादा में भी दिया जाता है, आबादा में भी दिया जाता है. तो यहाँ पर निषेकों का अभाव था इस समय प्रबद्ध का, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर सद्भाव हो जाएगा, उदय समय से लेकर के सब में दिया जाएगा, तो सब उसका सद्भाव हो गया, अपकर्षण हो गया. फिर उसके बाद 18वें समय में क्या होगा? उसका उत्कर्षण हुआ. 17वें समय में अपकर्षण हुआ, और 18वें समय में इसी समय प्रबद्ध क्या 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 हुआ? उत्कर्षण हुआ. तो उत्कर्षण होते समय अभी बताया था 18वें से लेकर के एक आवली प्रमाण का उत्कर्षण नहीं होगा. तो 18 से लेकर के 33वां जो निषेक होगा ये उदयावली होगी अभी. 16 समय की अवली कहेंगे ना, उदयावली. और इस समय में उत्कर्षण हो रहा है, उस समय में अपन ने ये नया समय प्रबद्ध बांधा है, क्योंकि नया बंध होता है तो ये उत्कर्षण होता है. बंध के नया बंध नहीं है तो उत्कर्षण नहीं होता है उसका. तो अब यहाँ पर ये इस मतलब समय प्रबद्ध के 18वें
समय में क्या हो रहा है, उत्कर्षण हो रहा है। तो इसकी रचना कितने आगे गई है, एक समय अधिक आवली गई है, 17 समय नीचे इसके है ना, इसके ऊपर ये है। अब इसकी जो ये अभी उत्कृष्ट स्थिति बांधी है, तो इसकी जो निशेक रचना होगी आबादा छोड़कर ऊपर होगी, तो आबादा इसकी भी कितनी है, 3000 समय, मतलब इसको भी 50 समय अपन ने मान लिया। तो अभी इसके जो 34वें निशेक का 1833 तक के जो निशेक है, समय में जो निशेक स्थित है, उसका तो उत्कर्षण नहीं होगा क्योंकि उदयावली को प्राप्त है। उदयावली के ऊपर का जो निशेक है इसका उत्कर्षण होगा, तो उत्कर्षण करके कहाँ देगा उसको, तो यहाँ इसके अब यहाँ 18वें से लेकर 33 मतलब कितना हो गए, ये 16 समय हो गए यहाँ पर, एक आवली हो गई 16 समय की, और यहाँ इसका 34वां मतलब इसका कितना आएगा, 17वां आएगा। अब 34वें निषेक का उत्कर्षण करना है तो उसकी अति स्थापना उसके ऊपर के समय से लेंगे ना, ऊपर के समय से लेंगे, समझ आ रहा है ना। 18 से लेकर 33 तक ये उदयावली है, 34वें समय के निषेक का हम उत्कर्षण कर रहे हैं। अब उसका उत्कर्षण करके कहाँ देंगे, उसके ऊपर से उसकी अतिस्थापना गिनी जाएगी, उसके समान को अतिस्थापना नहीं कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर से कहेंगे। तो यहाँ 34वें समय में स्थित जो निषेक है उसका नए समय प्रबद्ध में जब उत्कर्षण होगा तो इसके 17 समय तो नीचे गए, इसलिए इसको अतिस्थापना नाम नहीं दिया जाएगा। अतिस्थापना नाम किसका होगा, 18वें समय से लेकर के इसके जो 50वें समय तक आबादा है वो पूरी अतिस्थापना होगी, मतलब उसमें संख्या तो आवली आ जाएगी। यह तो एक आवली तक ही अपने अतिस्थापना सामान्य रूप से रहती है, लेकिन यदि नए समय प्रबद्ध के आबादा के भीतर जो निषेक है नीचे आवली से नीचे उतर करके जितने निषेक है उनकी अतिस्थापना आवली से भी बड़ी हो जाएगी। तो ये जैसे यहाँ पर इससे लगा करके एक आवली नीचे उतरो, आबादा जो है अभी पहले एक एक फिक्स करते हैं फिर वो बात बताएंगे। 34वें निषेक की मतलब उदयावली के बाहर के निषेक का उत्कर्षण करने में अतिस्थापना कितनी हुई, तो ये आबादा कितनी है, 50 समय है, इसमें 17 समय तो आबादा नहीं अतिस्थापना नहीं कहेंगे, तो 50 में से 17 कम हो गए, मतलब एक समय अधिक एक आवली कम हुई। तो जो 33 समय मतलब 18 से लेकर के 50 कितने हो गए, 33 हो गए ना। तो ये इसकी अतिस्थापना 34वें निषेक की अतिस्थापना हुई, और 51वें समय में स्थित जो निषेक है वहां से लेकर ऊपर एक समय अधिक आवली छोड़ करके निक्षेप होगा, या निक्षेप की बात नहीं केवल अतिस्थापना की बात की है। तो निक्षेप है उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट अतिस्थापना कही जाते उत्कर्षण में। तो उत्कृष्ट अतिस्थापना का प्रमाण उन्होंने बताया ना, एक समय अधिक आवली को आबादा में कम करो, उत्कृष्ट आबादा में उतने उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है। क्यों अतिस्थापना हुई, क्योंकि आबादा में द्रव्य नहीं दिया जाता है उत्कर्षण करके, अपकर्षण करके द्रव्य तो आबादा में दिया जाता है क्योंकि वहां देने में कोई ये नहीं है। अब यहाँ समय प्रबद्ध है ही नहीं तो यहाँ से उठा करके उसको कहा देगा, इसलिए आबादा में उत्कर्षण करके द्रव्य नहीं दिया जाता है। इसलिए जितने भी उसके जिस निषेक के, अब जैसे 34वें निषेक की अपेक्षा से 18 से लेकर के 50 तक क्या हुई अतिस्थापना, और 35वां निषेक इसका है तो उसकी अतिस्थापना कितनी होगी, 19 से लेकर 50 समय तक एक एक कम होती जाएगी। इस प्रकार जब इसका 51वां आएगा ना, तो यहाँ पर 50 से लेकर के 35 तक, 35 से लेकर 50 तक ये आवली प्रमाण आबादा अतिस्थापना हुई, फिर सब आगे आवली प्रमाण ही रहेगी, आगे के सब निषेकों की स्थिति की आबादा कितनी रहेगी, एक आवली ही रहेगी, और एक आवली से नीचे जो है उसके एक एक समय बढ़ती जाएगी अतिस्थापना। मतलब जैसे अभी 34वें की कितनी हुई, 18 से लेकर 50 तक, 35वें निषेक के समय में स्थित निषेक की कितनी हुई, इसके 19 से लेकर के 50 तक,
ये सब चार्ट निकाल करके लब्धिसार में दिखाया है, अब वहां से देखना। फिर उसके आगे के निषेक के 20 से लेकर 50 तक ऐसे एक एक समय कम होता जाएगा, क्योंकि जहां जो निषेक स्थित है उसके ऊपर से उत्कर्षण समझा जाएगा, उसके नीचे के परम जो है उसको अतिस्थापना नहीं कही जाएगी। इस प्रकार उत्कर्षण में अतिस्थापना बताया, अपकर्षण का बता रहे आगे। इसका उत्कर्षण किसका हो रहा है? ये प्राचीन सत्कर्म का हो रहा है। और किसमें हो रहा है उत्कर्षण? नए समय प्रबद्ध में हो रहा है, मतलब देना जो है निक्षेपण वो नए समय प्रबद्ध में, मतलब उसके समान उस स्थिति वाला वो हो जाता है, इतना इसका अर्थ है। नए समय प्रबद्ध में देता है इसका अर्थ। मैंने क्यों किया? क्योंकि उदयावली के निषेक का उत्कर्षण नहीं होता है, उसके ऊपर के निषेक का उत्कर्षण किया है, तो उसकी अतिस्थापना इसके ऊपर से होगी, उसके नीचे के जो समय है वो अतिस्थापना में नहीं गिने जाएंगे। हाँ, तो 17 छोड़ दिया, फिर 18 से उसकी अतिस्थापना कही जाएगी। तो ये उत्कर्षण की अपेक्षा से बताया, अपकर्षण का भी बता दे। अब यहाँ अपकर्षण करना है, तो यहाँ जो प्राचीन सत्कर्म है उसके ही ऊपर के परमाणु उसी में नीचे दिए जाते, मतलब उसकी स्थिति कम की जाती है, उसको अपकर्षण कहते हैं। स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण है और स्थिति को घटाना अपकर्षण है। तो यहाँ इसके लिए नए समय बांधने की आवश्यकता नहीं है। आयु का भी ऐसा है, आयु कर्म अपने बांधा, अगली आयु का बंध किया, फिर कभी भी उसका बीच में अपकर्षण हो सकता है, वापिस आयु का बंध होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, उसका अपकर्षण हो सकता है। लेकिन उत्कर्षण आयु का करना है तो वहां नया जब आयु का बंध होगा तभी उसका उत्कर्षण होगा। आयु कभी भी घट सकती है, बांधी हुई भी और भुज्यमान भी। और बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण तो नहीं होता है, बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण जब बंद करते समय हो सकता है। अब यहाँ अपकर्षण करते समय क्या होगा? ये आवली है, उदयावली। उत्कर्षण होगा इसके ऊपर के परमाणु का ही होगा। और अपकर्षण की अतिस्थापना कहाँ होगी? जिसका अपन ने अपकर्षण किया है उसके नीचे होगी। तो यहाँ जो अंतिम निषेक है इसका आकर्षण किया तो इसकी अतिस्थापना कहाँ होगी? इसके नीचे के द्विचरण समय में स्थित निषेक से लेकर एक आवली भ्रमण, वहां इसका द्रव्य जैसे हजारवा समय है इसमें स्थित जो निषेक है उसका आकर्षण या 999 से लेकर के 16 समय, मतलब 984 तक नहीं दिया जाएगा। 983 से लेकर के यहाँ ये बंदावली गई है, फिर उसके बाद उदयावली आई है और फिर उसके बाद ये है ना, तो यहाँ तक दिया जाएगा उदयावली के ऊपर तक। उदयावली में भी दिया जाएगा, उदयावली में भी दिया जाएगा, तो ये एक केवल आवली बंदावली छोड़ दी उसको। तो एक आवली छोड़ी, तो वो निक्षेप का यहाँ प्रकरण नहीं, अतिस्थापना है वो बता रहे इसमें। तो इसकी अतिस्थापना कितनी हुई? एक आवली प्रमाण ही हुई अपकर्षण की। केवल स्थिति कांडक घात में अतिस्थापना बड़ी होती है, वो भी अंतिम फाली में। जब स्थिति कांडक घात होता है ना एक साथ, जैसे प्रायोगिकता लब्धि में अंत कोड़ाकुड़ी सागर स्थिति छोड़ करके ऊपर की पूरी स्थिति एक कांडक घात के द्वारा उसका घात किया जाता है, तो वहां जो कोड़ाकुड़ी सागर प्रमाण कांडक है वो सब अतिस्थापना है। कांडक की जितनी लंबाई है वो पूरी अतिस्थापना होती है, एक समय उसमें कम करो ऊपर के निषेक की अपेक्षा से, वो भी अंतिम फाली में। और अन्य समय में जब भी उत्कर्षण होता है कांडक घात के बिना, तब तो उसकी अतिस्थापना कितनी होती है? एक आवली प्रमाण। और जब जगन अतिस्थापना कितनी होती है अपकर्षण में? जगन अतिस्थापना कितनी होती है? तो ये उदयावली के ऊपर का निषेक है, द्वितीयावली का पहला निषेक, उसका अपकर्षण क्या है? क्योंकि उदयावली के ऊपर से सभी निषेकों में से द्रव्य उठाया गया है, तो उदयावली के ऊपर का जो निषेक है उसका अपकर्षण करना है, तो उसकी अतिस्थापना कहाँ होगी? उसके नीचे। तो एक आवली में उसकी अतिस्थापना भी होगी और एक आवली में उसका निक्षेप भी होगा।
उदयावली में अतिस्थापना हो गया और उसका निक्षेप। तो अतिस्थापना कितनी है, तो दो आवली में एक समय कम करो, उसके त्रिभाग करो और दो त्रिभाग जो है वो अतिस्थापना हो गया। आवली में माइनस एक, फिर उसको तीन से भाग दो, दो से गुना करो, तो यह अतिस्थापना होगी। जैसे आवली का प्रमाण 16 माना है, उसमें से एक कम किया तो कितना हुआ 15, तीन का भाग दिया तो 5 आया, दो से गुना किया तो 10 आया। तो 10 समय अतिस्थापना होगी और नीचे कितने रहे हैं, एक समय कम आवली का त्रिभाग शेष रहा है और उसमें एक समय अधिक, एक समय कम किया ना, वो नीचे रह गया ना, यहाँ पर 6 समय रह गए नीचे, तो उसको क्या कहेंगे, एक समय आवली के त्रिभाग अधिक एक समय। आवली में से एक कम करो, उसका त्रिभाग करो और उसमें एक जोड़ो, तो उतना क्या हो गया, निक्षेप हो गया। ये द्वितीयावली के पहले निषेक की अपेक्षा से जगन्य अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप का होता है। फिर ऊपर ऊपर के निषेक उनका देखेंगे, ये 17वें निषेक की अपेक्षा है, फिर 18वें निषेक की अपेक्षा देखेंगे, तो अतिस्थापना एक एक समय बढ़ती जाएगी। हाँ, 7 से लेकर 17 तक होगी, फिर 19वें निषेक की अपेक्षा से 8 से लेकर 18 तक होगी, नहीं 7 से लेकर ही 18 तक होगी, क्योंकि नीचे का बदलना नहीं, जब तक आवली प्रमाण नहीं होती है तब तक अतिस्थापना में एक एक समय बढ़ाते जाओ। फिर एक आवली प्रमाण अतिस्थापना हो गई, फिर अतिस्थापना ऊपर ऊपर जाएगी और निक्षेप एक एक समय बढ़ता जाएगा। तो आपकर्षण में इस प्रकार अतिस्थापना निक्षेप होता है। नाम अपकर्षण है, उसकी अतिस्थापना स्थिति कांडक को छोड़कर अन्यत्र आवली प्रमाण है। विशेषता इतनी है कि उदयावली के बाहर की प्रथम स्थिति की एक समय कम आवली के उदयावली के बाहर की प्रथम स्थिति की अतिस्थापना एक समय कम आवली के दो त्रिभाग प्रमाण अतिस्थापना है और एक समय अधिक त्रिभाग प्रमाण निक्षेप है। इससे उपरिम स्थितियों में एक समय अधिक के क्रम से उत्कृष्ट रूप से आवली प्रमाण अतिस्थापना के प्राप्त होने तक अतिस्थापना बढ़ाना चाहिए। उससे आगे एक समय अधिक के क्रम से प्रत्येक स्थिति के प्रति निक्षेप बढ़ाना चाहिए। अतिस्थापना जब तक आवली प्रमाण नहीं होते तब तक अतिस्थापना बढ़ाना, और जिस निषेक की आवली प्रमाण पूरी अतिस्थापना हो गई, फिर उसके ऊपर के निषेकों की अपेक्षा से निक्षेप बढ़ाते जाना। फिर उत्कृष्ट निक्षेप पर वो बताया था अभी। शंका, यदि ऐसा है तो नारकियों में ही बहुत बार क्यों नहीं उत्पन्न कराया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह नारकियों में ही बहुत बार उत्पन्न होता है। कास्ट में भी नारकियों को में उत्पन्न करा रहे हैं, दूसरी बार वो सातवीं पृथ्वी में गया है, और उसके बीच बीच में भी त्रस्त स्थिति का जो काल है 2000 सागर, उसके बीच बीच में भी जितनी बार जा सकता है उतनी बार नरक में भेजना उसको, क्योंकि ज्यादा संक्लेश परिणाम करके वहां संचय ज्यादा होगा। किंतु उनमें उत्पत्ति की संभावना न होने पर अन्यत्र उत्पन्न होता है। नरक में कितनी बार होता है वो सब नियम है ना, पहले नरक में गया तो इतनी बार जाएगा, दूसरे नरक में गया तो इतनी बार, 7 बार वगैरह, नीचे नीचे जो सातवीं पृथ्वी में 2 बार जाता है, इस प्रकार। नारकियों में उत्पन्न होता हुआ बहुत बार सप्तम पृथ्वी के नारकियों में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि दूसरी पृथ्वियों में तीव्र संक्लेश और दीर्घ आयु स्थिति का अभाव है। आयु स्थिति भी ज्यादा बंदे तो उतने परिणाम योग स्थान ज्यादा होंगे, तो उसमें संचय ज्यादा होगा इसलिए, और उसका संक्लेश परिणाम से उत्कर्षण ज्यादा होगा, इसलिए वो संक्लेश परिणाम कराते हैं। तेने व पड़म समय आहारेन पड़म समय तब भवत्थेन उक्कसेन जोगेन आहारिदो। प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्त होकर उसने उत्कृष्ट योग के द्वारा कर्म पुद्गल को ग्रहण किया। रुजु गति से उत्पन्न हुआ ही लेना, वो भी विग्रह गति से उत्पन्न नहीं कराना, क्योंकि योग कम होता है वहाँ, क्योंकि वह औदारिक शरीर नहीं है तो योग कम होता है, इसलिए संचय कम होगा,
इसलिए रुजु गति से ही उसको ले जाना, इसलिए कहा ना आहार प्रथम समय में आहारक, इसका अर्थ क्या रुजु गति से गया है और प्रथम समय में तद्भुवस्त मतलब नरक में गया है वो। प्रथम में उत्पाद में भी जगन उत्कृष्ट होते हैं ना, उसमें उत्कृष्ट योग के द्वारा कराना वहां पर। उत्पाद योग में बहुत सारे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण इतने स्थान है, उसमें जो उत्कृष्ट योग है वो लेना। प्रथम समय तद्भवस्त पद के निर्देश का फल द्वितीय व तृतीय समय तद्भवस्त का प्रतिषेध करना है। जघन्य उपपाद योग आदि का प्रतिषेध करने के लिए उत्कृष्ट योग पद का निर्देश किया है। कर्ता कारक में यह तृतीय विभक्ति है, उसने पुद्गल स्कंद को ग्रहण किया ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। यहाँ सूत्र में इव शब्द उपमार्थक है, आशय यह है कि जिस प्रकार कर्म स्थिति के भीतर सर्वत्र यह जीव प्रथम समय में आहारक होता है और प्रथम समय में तद्भवस्त होता है, क्योंकि इसके विग्रह गति नहीं होती, उत्कृष्ट संचय वाले के विग्रह गति नहीं कर रहा। उसी प्रकार यहाँ नरक गति में भी जानना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्थ जीव ने उत्कृष्ट योग के द्वारा ही आहरण किया अर्थात कर्म पुद्गल को ग्रहण किया, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शुरू में तेने व उसमें युव शब्द है, वो उपमार्थक है ऐसे। उक्कसी आए वड्डीए वड्डी दो, उत्पन्न होने के द्वितीय समय से वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। हाँ, उत्कृष्ट वृद्धि से एकांतान वृद्धि के में जगन्य उत्कृष्ट होते हैं ना, दूसरे समय में भी उत्कृष्ट जगन्य उत्कृष्ट ऐसे भेद से अनेक प्रकार के एकांतान वृद्धि योग स्थान है, तो उसमें से उत्कृष्ट वृद्धि लेना एकांतान वृद्धि में भी। नहीं नहीं, दूसरे समय में भी एक ही परिणाम नहीं है ना एकांतान वृद्धि का, वो तो अंतर्मूर्त तक होगा लेकिन हर समय का भी जगन उत्कृष्ट होगा ना। दूसरे समय में किसी जीव को जगन होता है, किसी जीव को उत्कृष्ट होता है, फिर तीसरे समय में भी किसी को जगन उत्कृष्ट, ऐसे अनेक जगन से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक परिणाम होंगे एकांतान वृद्धि के। हाँ, उत्कृष्ट लेना है। उत्पन्न होने का अर्थ है ना उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। उसका वही बताना है तद्भवस्त मतलब विग्रह गति नहीं हुई उसकी, यही बताना है वहां पर उस। और सरलता से समझ में आने के लिए भी वो दोनों कथन करे तो और स्पष्ट होता है इसलिए भी। उत्पन्न होने के द्वितीय समय से लेकर एकांतानुरुद्धि योग होता है, क्योंकि प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से योग की वृद्धि देखी जाती है। वहां गुणकार जघन्य उत्कृष्ट तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है, उनमें से शेष दो वृद्धियों का परिहार करने के लिए उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा कहा है, अन्यथा उत्कृष्ट द्रव्य का संचय नहीं बन सकता है। एकांतान वृद्धि में तो नियम से बढ़ता ही है दूसरे समय से तीसरे समय में, क्योंकि एक ही समय तक वो परिणाम का काल है एकांतान वृद्धि का, लेकिन वह सबसे ज्यादा गुण कर लेना उत्कृष्ट गुण कर। बीच में जगन और उत्कृष्ट को छोड़कर मध्यम लेंगे। अंतर्मुहूर्त द्वारा अति शीघ्र सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। पर्याप्तियों की पूर्णता का काल एक समय आदिक नहीं है, इसका इस बात का कथन करने के लिए सूत्र में अंतर्मुहूर्त पद का ग्रहण किया है। पर्याप्ति पूरी होने के लिए अंतर्मुहूर्त काल कम से कम लगता ही है। पर्याप्तियों के अजघन्य काल का निषेध करने के लिए सर्व लघु पद कहा है, अति संक्षेप काल जो है जघन्य काल वो लेना है।
एक भी पर्याप्ति के उत्कृष्ट योग ज्यादा और काल कम ऐसा लेना। एक भी पर्याप्ति के अपूर्ण रहने पर पर्याप्तकों में परिणाम योग नहीं होता। इसका ये हमेशा बताते उसका वो विरोध हो गए ना, ये शरीर पर्याप्ति में एक समय कम तक वहां पर एकांतानुवृत्ति योग है और शरीर पर्याप्ति की पूर्णता के समय से लेकर के परिणाम योग स्थान है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों बता, आगे तो खुलासा करेंगे तब ऐसा ही बताएंगे। शरीर पर्याप्ति में एक समय कम तक एकांतानुवृत्ति है और शरीर पर्याप्ति के पूर्ण हुई उस समय से लेकर के परिणाम योग स्थान होता है। एक भी पर्याप्ति के अपूर्ण रहने पर पर्याप्तकों में परिणाम योग नहीं होता, इस बात के ज्ञापनार्थ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ऐसा कहा है। एक समय भी कम हो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि एक समय भी कम हो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने में तो भी परिणाम योग नहीं होता ऐसा। शंका, इस सूत्र का क्या प्रयोजन है? समाधान, अपर्याप्त योग से पर्याप्त योग असंख्यात गुना है यह बतलाना इस सूत्र का प्रयोजन है। तत्त भवट्ठिति 33 सागरो वमाने, वहां भव स्थिति 33 सागरोपम प्रमाण है। अंतिम भव में वहां नरक में गया ना, तो वहां उत्कृष्ट स्थिति कितनी लेना, 33 सागरोपम। इस सूत्र द्वारा अध्यावास की प्ररूपणा की गई है, शेष कथन सुगम है। आव मनु पालिंतो बहुसो बहुसो उक्कस्ताने जोगठाना ने गच्छति, आयु का उपयोग करता हुआ बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है, इसके द्वारा योगावास की प्ररूपणा की गई है। बहुसो बहुसो बहु संकिलेश परिणामो भवति, बहुत बहुत बार बहुत संकिलेश परिणाम वाला होता है, इसके द्वारा संकिलेशावास की प्ररूपणा की गई है। शंका, शेष तीन आवासों की प्ररूपणा क्यों नहीं की है? समाधान, यहाँ भवावास तो संभव नहीं है क्योंकि नरक में अपर्याप्त भव नहीं होते हैं। एक ही भव में भव भूत्व का अभाव है, आयु आवास की प्ररूपणा भी नहीं की जा सकती है क्योंकि उसका योग आवास में अंतर्भाव हो जाता है। शंका, यहाँ योग बहुत्व क्यों स्वीकार किया जाता है? समाधान, ज्ञानावरण के बहुत द्रव्य संचय करने के लिए यहाँ योग बहुत्व स्वीकार किया जाता है। शंका, यदि कहा जाए कि आयु को उत्कृष्ट योग द्वारा बांधने वाले के ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय होता ही नहीं। बर सॉरी, यदि कहा जाए का चले गौन कराए इतक का टेंशन नहीं। यदि कहा जाए कि आयु को उत्कृष्ट योग द्वारा बांधने वाले के ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय होता ही है, सो भी बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार से तो ज्ञानावरण के बहुत द्रव्य का क्षय देखा जाता है और इसलिए योगावास से आयु जघन्य योग द्वारा ही बनती है यह जाना जाता है। अतएव आयुरावास योगावास में अंतर्भूत है, अतः उसकी पृथक प्ररूपणा नहीं की है, तथा यहाँ अपकर्षण उत्कर्षण आवास की भी प्ररूपणा नहीं की जाती है क्योंकि उसका संक्लेश आवास में अंतर्भाव हो जाता है। यह संग्रह नहीं की विषयभूत एक भव विषयक आवास की प्ररूपणा कही है। एवं संसरी दूण थोवाव शेषे जीवित अव्यक्ति जोग जव मज्जस उरिमंतो मुहूर्तदमच्छिदो। इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर मुहूर्त काल तक स्थित रहा। शंका,
यहाँ द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य योग स्थान से लेकर अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम से उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक प्राप्त हुआ जितना भी योग है, जो कि पहले दुगुण रुद्धि स्थान से दुगुण चतुर्गुण आदि के क्रम से उत्तर उत्तर गुण रुद्धि रूप स्थानों को प्राप्त है, और जो हाथी के शुंडा दंड के आकार का है, यह योग यवाकार कैसे हो सकता है? जब वह यवाकार नहीं है तब उसका मध्य भी संभव नहीं है, क्योंकि जो वस्तु असत है उसका मध्य मानने में विरोध आता है। शंकाकार की शंका तो समझ में आई होगी ना? नहीं समझ नहीं। तो यहाँ मतलब शंकाकार की शंका क्या है कि उसने वो ऐसा समझ रखा है कि पहले योग से दूसरा योग जो है वो कितना है, अधिक अधिक है, तो पहले योग से दूसरा योग एक प्रक्षेप अधिक, मतलब सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण जगण स्पर्धक उसमें बढ़ते हुए पाए जाते हैं दूसरे योग स्थान में, दूसरे से तीसरे में उतना ही बढ़ता बढ़ता हुआ होता है, फिर एक बढ़ने के बाद वहां पर योग दुगुना हो जाता है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते हर समय बढ़ेगा एक एक चैसे, लेकिन फिर उसके दुगुण वृद्धि, चतुर्गुण वृद्धि, आठगुण वृद्धि, इस प्रकार संख्यात गुना तक वो योग योगस्थान बढ़ते जाते हैं। फिर वो सब योगस्थानों की रचना कैसे हो गई? हाथी के सुंड के समान हो गए, मतलब हाँ ऊपर नीचे से छोटा और ऊपर बढ़ता गया हुआ ऐसा ही होगा। यवा का रचना कैसे हो गई? ये शंका करके शंका है। तो योग जो द्विन्द्रिय के पर्याप्त के जगन योग से लेकर के सौधनी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान तक जो योगों की जो शक्ति है वो बढ़ती हुई पाई जाती है, फिर उसकी यवा का रचना कैसे होती है? उसकी शंका है। शंका है। समाधान, यवा का रचना मतलब क्या? नीचे छोटा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर घटता जाएगा, और बहुत नीचे से भी ऊपर ज्यादा घटता हुआ पाया जाएगा। अभी निकालिए, नोट्स में है। यो मने जो जो कहते हैं वहां पर उधर जो जवस जो जो, 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 जो मनते थे। हाँ तिथे पूर्वी असे तेजी चपाती वगैरह अपन करतो ना गव्हाची, तसे तेजी चपाती करत होते सातू सारखं। हाँ यहाँ उक्त शंका का उत्तर कहते हैं, वह इस प्रकार है। द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर सौधनी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक के सब योगों को ग्रहण करके एक पंक्ति में स्थापित करने पर उन सब योग स्थानों का आयाम जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण प्राप्त होता है। मतलब कुल योग स्थान कितने हैं? तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। जगत श्रेणी मतलब सात राजू प्रमाण लंबी आकाश प्रदेश पंक्ति, एक आकाश प्रदेश पंक्ति, उसको जगत श्रेणी कहते हैं। तो उसका भी असंख्यात भाग कितने योग स्थान है, मतलब असंख्यात योग स्थान है। कहां से लेकर कहां तक? द्विन्द्रिय पर्याप्त के परिणाम जगन्य परिणाम योग स्थान से लेकर पंचेन्द्र पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान तक योग स्थानों की संख्या, उसको आयाम कहेंगे। वो आयाम हुआ, और वो हर एक योग स्थान मतलब सभी योग स्थानों की संख्या जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण ही है। एक इंद्र के हो, द्विन्द्र के हो, सभी के एकांतान वृद्धि हो, उत्पाद हो, सभी के जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ही प्रमाण है, लेकिन कम ज्यादा है उसमें। अब यहाँ आगे बताते यवा का रचना कैसी होती है। उनमें से सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर आगे के जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र योग स्थान चार समय प्रायोग्य है। फिर इससे आगे के जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र योग स्थान पांच समय प्रायोग्य है। इस प्रकार परिपाटी क्रम से आगे के पृथक पृथक छह, सात व आठ समय प्रायोग्य योग स्थान प्रत्येक जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र है। फिर इससे आगे यथाक्रम से सात,
छह पांच चार तीन व दो समय प्रायोग्य योग स्थान प्रत्येक जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र है। मतलब इससे यवा का रचना हो गई। यवा का रचना जो है वो किस अपेक्षा से है? काल की अपेक्षा से किए हैं। जगन्य योग स्थान, फिर उससे एक एक छह आदि कैसे योग स्थान, ऐसे कितने योग स्थान है जगत श्रेणी के असंख्यात भाग इतने हैं, समझो ये सभी योग स्थान इतने हैं। तो योग स्थान की शक्ति जो है वो हर योग स्थान में तो समान रूप से बढ़ती गई है। सूचंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जगन स्पर्धक एक एक योग स्थान में बढ़ते हुए पाए जाते हैं। कहां तक? सौदनी पंचेंद्र पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान तक। तो बीच में उसमें अभी बताया था ना, दुगुण वृद्धि होगी, फिर चार गुण वृद्धि, आठ गुण वृद्धि, सोलह गुण वृद्धि, इस प्रकार के संख्यात गुण वृद्धि होते होते असंख्यात गुण वृद्धि होगी सौदनी पंचेंद्र पर्याप्त के योग स्थान में। अब इसमें इस अपेक्षा से यवा का रचना नहीं है, वो योग स्थान तो बढ़ता हुआ ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ द्विंद्रिय पर्याप्त के जगन योग स्थान से लेकर के जगत श्रेणी के असंख्यात भाग क्रमण जो योग स्थान है वे उत्कृष्ट रूप से रहेंगे लगातार, तो चार समय तक ही वो रह सकते हैं। चार समय से अधिक उसका काल नहीं है, पांच समय तक नहीं रह सकते हैं, या जगन से एक समय भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो चार समय तक ही रहेंगे। इसलिए इसके काल की अपेक्षा से जो ये करेंगे तो वो चार समय तक, ऐसा सबका समझ नहीं कर, ये चार समय तक रहे योग स्थान। फिर इसके ऊपर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जो योग है वे पांच समय तक रहते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट रहेंगे तो पांच समय तक रह सकते। इसकी शक्ति जो जहां है वो उसके अनुसार होगी। तो ये थोड़ा निकालते, तो पांच समय तो इसके एक काल की अपेक्षा से इससे बड़ा निकालेंगे इसको। ये सब पांच समय वाले योग स्थान है, समझो। फिर इसके ऊपर जो होंगे वो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जो योग स्थान है, ये सब जो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है, अब कम ज्यादा वो बताएंगे अल्पभूत, सब उसमें बीच के कम है, फिर इधर इधर के गुने होते गए हैं। तो इसमें यवा का रचना जो हुई काल की अपेक्षा से हुई है, फिर ये छह समय तक रहने वाले योग स्थान, फिर उसके ऊपर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग सात समय तक रहने वाले, तो ये काल की अपेक्षा से लंबाई निकाली है। फिर इसके ऊपर आठ समय तक रहने वाले योग स्थान, उसको ऐसा फैलाया। अब ये यव मध्य हो गया, यहाँ पर इसको कहेंगे। अब इसके ऊपर के जो योग स्थान है, मतलब बीच के जो योग स्थान है वे ही ज्यादा से ज्यादा आठ समय तक रहेंगे। नीचे के योग स्थान वो आठ समय तक नहीं रह सकते, वो सात समय तक रहेंगे। उसके नीचे के योग स्थान होगा जीव को तो वो छह समय तक रह सकते हैं, उसके नीचे हो तो पांच समय तक, और उसके नीचे के योग स्थान हो तो चार समय तक रह सकते। उत्कृष्ट काल जगन काल सभी का एक समय है, एक समय तक ही रह करके छूट सकता है। और फिर अब इसके ऊपर के जो योग स्थान है ज्यादा शक्ति वाले, उसका जो काल है वो भी कितना है, क्रम क्रम से ऐसे सात समय वाले होंगे, फिर छह समय वाले होंगे, फिर पांच समय वाले होंगे, कम कम निकालते जाएंगे उसको, पांच समय वाले, फिर इसके ऊपर चार समय वाले, थोड़ा आगे ये उसको बढ़ाना पड़ेगा, समझ लो अब इसको। फिर उसके ऊपर चार समय वाले, फिर तीन समय वाले, फिर उसके ऊपर दो समय वाले। इसलिए इसकी रचना कैसी होगी, ऐसे या अभी अपना जो आकार है बहुत ही अभी स्थूल है, मतलब इस प्रकार। अब जो सौदनी पंचेंद्र पर्याप्त का उत्कृष्ट योग स्थान होगा और उसके नीचे जो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जगत जो होगी योग स्थान होंगे वे ज्यादा से ज्यादा दो समय तक ही रह सकते हैं। इसलिए अभी आगे आएगा ना, उत्कृष्ट योग भी दो ही समय रखते हैं, तो दो समय से ज्यादा क्यों नहीं रखते, वहां पर ज्यादा संचय हो जाएगा ना, उत्कृष्ट योग में ज्यादा रखेंगे तो वो दो समय से ज्यादा रह नहीं सकता, इसलिए उसको दो समय तक ही उत्कृष्ट योग में रखते हैं। इस प्रकार काल की अपेक्षा से यवा का रचना हुई है, मतलब जहां पर योग स्थान है वहीं पर उसको रखना। पहले जब हमारा अज्ञान था तब हम क्या करते थे,
जो जो चार समय वाले है उसको यहाँ इकट्ठा करो, पांच समय वाले उसको यहाँ रखो, ऐसा नहीं। ये योगस्थान जैसे ही इसकी रचना है, वे ही योगस्थान नीचे के इतने काल तक रह सकते, उसके ऊपर के इतने काल तक रह सकते, ऐसा योगस्थानों की जो आगे पीछे कुछ करना नहीं है, क्रम से उसको रखना और उसके नीचे के चार समय वाले, उसके ऊपर के पांच समय वाले, उसके ऊपर के छह समय वाले, सात समय वाले, आठ समय वाले, इस प्रकार चार पांच छ सात और आठ, फिर इसके ऊपर के सात समय वाले, छ पांच चार तीन और दो, नीचे दो समय वाले नहीं है, नीचे के योगस्थान ज्यादा से ज्यादा चार समय तक रह सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर के रहेंगे वो दो समय ही ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, और दो समय वाले सबसे ज्यादा है, असंख्यात बहुभाग योगस्थान दो समय वाले हैं। अभी इसका बंटवारा करेंगे आगे तो समझ में आएगा। हाँ, वो सब मतलब मेरे ख्याल से यहाँ कुछ बताया नहीं, सब दो समय वाले में सबके उत्कृष्ट आएंगे, क्योंकि दो समय वाले जो है वो असंख्यात बहुभाग योगस्थान, तो द्विंद्रय का भी उत्कृष्ट, त्रिंद्रय का उत्कृष्ट, चतुर्द्रय, इसलिए दो समय वाले ना बहुत लंबा निकालना पड़ता है ये। हाँ, ये बहुभाग है ऐसा, इसको भी ये गलत ही है, ऐसे समान ही निकालना पड़ेगा ना, ऐसे समान समान। ये दो समय वाले ही सबसे ज्यादा है योगस्थान, असंख्यात बहुभाग स्थान है वो, इसलिए सबके जो द्विंद्रय का भी उत्कृष्ट आएगा यहाँ कहीं पर आएगा, त्रिंद्रय का उत्कृष्ट, चतुर्द्रय का उत्कृष्ट, असौधि का उत्कृष्ट, फिर असौधि का उत्कृष्ट आएगा, ये सब दो समय वाले योगस्थानों में ही आएंगे सबके उत्कृष्ट योगस्थान। तो जगन तो यहाँ से प्रारंभ हुआ, उत्कृष्ट वो दो समय वाले में आ जाएंगे। ऐसा कोई लकीर खींच नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो कहीं पर भी आ सकता है, उसका पक्का नहीं मालूम है। यहाँ आठ समय प्रायोग्य योग स्थान थोड़े हैं, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित सात समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुने हैं, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित छह समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुने हैं, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित पांच समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुने हैं, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित चार समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुने हैं, ऊपर तीन समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुने हैं, दो समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुने हैं, गुणकार सर्वत्र पल्योपम का असंख्यात वा भाग है। यहां इन योग स्थानों का विशेषण भूत काल अपनी संख्या की अपेक्षा यवाकार हो जाता है, क्योंकि वह मध्य में तो स्थूल है और दोनों ही पार्श्व भागों में क्रम से हानि होती गई है, चार पांच छह सात आठ सात छह पांच चार तीन दो, इस प्रकार इन चार आदि समयों से विशेषित योग स्थान भी ग्यारह प्रकार का है, अन्यथा वह काल का विशेष नहीं बन सकता, क्योंकि योग से पृथकभूत काल नहीं पाया जाता। यहां योग को ही यव कहा है और उसका मध्य अर्थात योग यव मध्य कहलाता है, यव मध्य से आठ समय वाले योग स्थान लिए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उस यव मध्य के ऊपर नव योग है ना, वहां पर सब चाहिए, सब। उस यव मध्य के ऊपर सब योगों के असंख्यात भूभाग प्रमाण योग स्थानों में अंतर मुहूर्त काल तक स्थित रहा, क्योंकि वहां चार बुद्धियां और चार हानियों की संभावना देखी जाती है। पहले इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं, योगों की संख्या, योग स्थानों की संख्या बताई है कि बीच में आठ समय वाले योग स्थान कहाँ है, योग यव मध्य में, तो ये योग यव मध्य ऐसा कहा जाता है, लेकिन योग की अपेक्षा से उसको मध्य कहा है, यानी सभी योगों का वो मध्य नहीं है, नहीं ऐसा नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि वहां पर अभी अपन देखते हैं अंक संतुष्टि से समझ में आएगा,
कि ये सभी योग स्थानों की संख्या अपन ने एक मान ली कुछ 65,536 है सब योग स्थान, कितने हैं वास्तव में जलश्रेणी के असंख्यात भाग है। तो इसमें बहुभाग योग स्थान जो है वो दो समय वाले हैं, इसलिए इसको चार अपन असंख्यात की संतुष्टि मान करके करते हैं। किया तो कितना आया यहाँ पर 16,384 आया, तो ये एक भाग हुआ। और दो भाग जो योग स्थान है वो कितने हो गए, इसको 300 गुना करो, 300 गुना किया तो कितना आया, इकड़न घूमते ना अपन, 3 × 12 = 2001, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, 2 × 3 = 9 = 11, 1 × 18 = 19, 18 × 19 झाले ना, 3 × 1 = 4, 49,152 ये बहुभाग हो गया। तो ये सब बहुभाग योग स्थान दो समय वाले होंगे और वे कहा है स्थित, बहुभाग योग स्थान ऊपर है, इसलिए ऐसा निकाला ना ये 49,152 सब दो समय वाले होंगे, मतलब इतना लंबा आएगा वो दो समय वाले योग स्थान, मतलब वो नकाशा निकालना मुश्किल है, इसलिए उसको मतलब उसकी अपेक्षा से अपन निकालते हैं समान, क्योंकि आप इसके नीचे अब यहाँ एक भाग रहे, ये 65,536 में से 49,152 तो सब दो समय वाले हो गए, अब रहे कितने 16,384 एक भाग, अब इसमें बाकी के सभी योग स्थान है, तो 16,384 को वापिस असंख्यात का भाग देना, पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देना, जो एक भाग आए कितने हुए 4,096 और बहुभाग क्या होगा 288, हाँ तो ये बहुभाग हो गए। अब ये बहुभाग योग स्थान जो है कौन से है, तीन समय वाले है, तो ये भी ऊपर ही है, नीचे के योग स्थान तीन समय वाले नहीं है, तो ये 49,152 के नीचे 12,288 ये तो अपनी संख्या कम है, वो तो असंख्यातों में है, कम होते हुए भी इतनी ज्यादा उसकी आती है, तो ये तीन समय वाले योग स्थान जो है वो इतने और नीचे आएंगे, ये तीन समय वाले योग स्थान होंगे। अब यो मध्य कहाँ है देखो वहां पर, बहुत सारे जाने के बाद, तो 12,288 एक भाग कौन से हो गए 4,096, तो इसके वापिस क्या करना, एक भाग बहुभाग करना, 4,096 को वापिस 4 से भाग दिया तो एक भाग क्या आया 1,024 आया, बहुभाग क्या आएगा 3,072 आएगा, तो ये बहुभाग कौन से है योग स्थान चार समय वाले। अब चार समय वाले ऊपर के भी हैं और नीचे के भी हैं, ऊपर के मतलब तीन समय के, नीचे जो होंगे ऊपर के वो चार समय वाले हैं, तो इसलिए इसमें हाफ ऑफ करेंगे, आधे ऊपर रखेंगे आधे नीचे रखेंगे चार समय वाले योग स्थान, तो इसको दो का भाग दिया तो कितना हुआ 1536, तो ये 1536 यहाँ निकालना इसके नीचे, अब वो निकालना मुश्किल है इसलिए इसको कम ही समझना, वहां पर ज्यादा है इतना, तो यहाँ समझो यहाँ चार समय वाले जो है ये 1536 ऊपर है और नीचे भी 1536 है, ये नीचे के जो है वो 1536, लेकिन फिर भी वो क्या है इस 1536 से ऊपर जो है वो 12,288 वहां संख्या गुने ही है ऊपर के। अब एक भाग 1,024 रहा, उसको 4 से भाग दो 256 हुआ, ये एक भाग हुए, और बहुभाग 768 हुआ, ये कौन से होंगे पांच समय वाले, और पांच समय वाले ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर आधे हैं और नीचे आधे हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसका दो का भाग देंगे तो 384 होंगे ना, 384 नीचे के
पांच समय वाले और ऊपर के पांच समय वाले भी 384, ऊपर ये 1536 और ये भी 1536 और ये दो समय वाले 49152, 3 समय वाले जो है वो 12288 हुए। अब जो एक भाग रहा 256, वापिस उसको असंख्यात का भाग दो तो कितना है 64, दो भाग आया 192, तो 192 में भी दो भाग करना तो उसमें 96 जो है कौन से होंगे, 6 समय वाले, 6 समय वाले ऊपर आधे हैं और नीचे आधे हैं, यहाँ जो व्यवस्था है वे इतने समय तक रह सकते हैं। फिर जो एक भाग रहा 64, उसका भी बहुभाग करो, 4 का भाग देंगे तो 16 एक भाग होगा, 16 एक भाग और 48 बहुभाग, 48 में भी दो भाग करो, 24, तो 7 समय वाले ऊपर 24 हैं और नीचे 24 हैं। अब एक भाग रहे कौन से, 16, वो 8 समय वाले हैं। तो इस प्रकार 8 समय वाले योगस्थान सबसे कम है उनकी संख्या, और 7 समय वाले जो है सो इससे ज्यादा है, मतलब असंख्यात गुने असंख्यात गुने हैं। तो अभी क्या बता रहे थे यहाँ पर, तो यह जो यव मध्य आया है वह इस यव मध्य के नीचे के जो योग स्थान है उन सबका जोड़ करो, उससे इस यव मध्य के ऊपर के योग स्थान असंख्यात गुने हैं। इन सब योग स्थानों का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 16 और 24, 96, 384 और 1536 का प्लस करना है, 6 और 4, 10, 10 और 6, 16, 20 और 26, अच्छा 2, 2 और 3, 5, 5 और 13, 13 और 9, 22, 22 और 2, 24 और 1, 25, अच्छा 2, 2 और 5, 7, 7 और 3, 10, 0, अच्छा 1, 2, 2056 हुई केवल। और ये ऊपर के सब योग, योग मध्य के ऊपर के योग स्थान कहेंगे तो इसको लेना, तो ये कितने हैं, इससे असंख्यात गुने हैं, उसके सब का जोड़ करेंगे तो 63,480, ये इसका जोड़ होता है। तो योग, योग मध्य के ऊपर के योग स्थान असंख्यात गुने हैं और नीचे ये जो है असंख्यात एक भाग है, इसलिए वो निकालते समय बहुत छोटा है ऐसा पोर्शन आएगा नीचे का, और ये ऊपर का बहुत बड़ा ऐसा आएगा, इस ये बहुत छोटा आएगा और ये ऊपर, मतलब ये योग योग मध्य जो काल की अपेक्षा से बहुत नीचे आता है। अब ये सिद्ध करने के लिए सब इतना बता रहे कि जीव योग मध्य है वो बहुत ऊपर आता है, और ये जो काल का योग मध्य है वो नीचे आता है बहुत, और इसके ऊपर ज्यादा काल तक रह सकता है ये जीव, ये बताना है यहाँ पर। यहाँ जो काल की अपेक्षा से जो योग की यवा का रचना है उसमें इस योग मध्य के ऊपर के योगों में वह अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, ये यहाँ बता रहे। तो इस काल की अपेक्षा से योग मध्य क्यों लिया, जीव योग मध्य क्यों नहीं लिया, तो वह जीव योग मध्य में ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक नहीं रह सकता है, क्योंकि वह योग केवल अधिक है, गुने नहीं है, और यहाँ नीचे के योग स्थानों से ऊपर के योग स्थान असंख्यात गुने हैं, तो यहाँ तक अंतर्मुहूर्त काल तक रहना संभव है, क्योंकि यहाँ भी बताएंगे 4 प्रकार की वृद्धि यहाँ पाई जाती है, और उसमें नहीं अभी इस आगे सिद्ध करेंगे, खाली अभी इतना समझो कि यहाँ योग के काल की अपेक्षा से यवा का रचना है, और उसमें नीचे के योग स्थान कम है असंख्यात भाग है, और उस योग योग के ऊपर के योग स्थान है वो असंख्यात गुने हैं, ये इतना भी समझो, फिर आगे बताएंगे। जीव अपेक्षा का ज्यादा है इतना ही फर्क होगा, वो भी 4 समय तक रह सकते हैं और ये भी 4 समय तक रह सकते हैं, उनका काल उतना है, जहां पर है योग स्थान वहीं पर रहेंगे, उतनी शक्ति होगी उसकी, लेकिन संचय जास्त होणार योगाची शक्ती। नहीं नहीं, ऊपर के 4 समय वाले और नीचे के 4 समय वाले में क्या अंतर है ये प्रश्न है। तो योग की शक्ति जहां जित वो स्थित है वही होगी,
केवल वो भी योग चार समय तक रह सकता है, ये भी चार समय तक रह सकता है, इतना ही अंतर होगा। शक्ति में अंतर है, नीचे के योग स्थान जो है उसमें शक्ति कम है और ऊपर के योग स्थान में शक्ति अधिक है, इन दोनों का काल चार समय ही है। योग योग मध्य के ऊपर उस जो हृदय रहेगा तो वह संचय ज्यादा होगा उस योग से। चलो शंका चार रुद्धि पान नंबर 59। शंका चार रुद्धियों और चार हानियों का काल अंतर मुहूर्त है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो जहां पर चार रुद्धि या चार हानि हो सकती है वहां पर अंतर मुहूर्त काल बिताया जा सकता है। ऊपर है ना, यहाँ योग मध्य से ऊपर जो है वह अंतर मुहूर्त काल तक क्यों रहा? क्योंकि वहां योग स्थानों में सब आएगा, यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि होगी पहले, फिर संख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर संख्यात गुण वृद्धि होगी, फिर असंख्यात गुण वृद्धि होगी। क्योंकि जब योग मध्य का जो योग है वो दुगुना हो गया, संख्यात गुण वृद्धि हुई ना, तो यहाँ बहुत सारे योग स्थान है ना, तो इतने योग स्थान जाने तक वो संख्यात गुण वृद्धि भी होगी और असंख्यात गुण वृद्धि भी होगी, क्योंकि असंख्यात गुण योग स्थान है ऊपर। योग की जब अपन वृद्धि गिनते तो कैसे गिनते हैं? इस जो जगन योग है उसमें सुचंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ गए तो असंख्यात भाग वृद्धि हुई। इस प्रकार बढ़ते 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 संख्यात से भाग दो, उत्कृष्ट संख्या से जगन योग स्थान को और उसी में मिलाओ, तो जो बढ़ेंगे जितने स्पर्धक वो संख्यात भाग वृद्धि होगी। फिर दुगुना हो गया तो संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ हुई, फिर दुगुना चौगुना आठ गुना ऐसे उत्कृष्ट संख्यात गुना हो जाएगा, तब तक वो संख्यात गुण वृद्धि कही जाएगी। मतलब जगन योग से गिनना उसको, जहां से अपन स्टार्ट किया वहां से गिनना उस योग स्थान से, एक से दूसरे में असंख्यात गुना ऐसा नहीं लेना। जगन योग स्थान है उससे असंख्यात गुना जहां हो जाएगा वह असंख्यात गुण वृद्धि कही जाएगी। तो बहुत सारे योग स्थान चाहिए तभी असंख्यात गुण वृद्धि होगी ना, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात बार दुगुना 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 हो करके फिर असंख्यात गुना आएगा वहां पर, तो उसने योग स्थान वहां पर चाहिए असंख्यात गुना होने के लिए, फिर आगे असंख्यात गुण वृद्धि होगी। तो इसलिए योग स्थान ज्यादा होने से यहाँ पर चारों प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, और जहां चारों प्रकार की वृद्धि पाई जाती है वहां पर अंतर मुहूर्त काल तक रह सकता है, क्योंकि वहां पर एक योग का ज्यादा से ज्यादा काल सात समय या छह समय या सात समय ऐसा होगा। तो फिर एक आवले में कितने समय है, जगन युक्ता संख्यात प्रमाण समय है, तो इसलिए इतने सभी योग स्थान पाए जाने चाहिए ना वो आवली काल तक रहने के लिए। समाधान, असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का काल अंतर मुहूर्त है तथा शेष वृद्धियों और शेष हानियों का काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इस बंध सूत्र से यह जाना जाता है कि चार वृद्धियों और चार हानियों का काल अंतर मुहूर्त है। शंका, वहां अंतर मुहूर्त काल तक किस लिए स्थित कराया? समाधान, चूंकि योग मध्य से आगे के योग पिछले योग से बहुत पाए जाते हैं, अतः वहां अंतर मुहूर्त काल तक स्थित कराया है। पिछले मतलब नीचे के योग, योग मध्य के नीचे के योग स्थानों से उसके ऊपर के योग स्थान जो है वह बहुत है, असंख्यात गुने हैं, इसलिए वहां पर अंतर मुहूर्त काल तक रह सकता है। कुछ योग किस योग में एक दो समय रहा, फिर दूसरे योग में तीन समय रहा या चार समय रहा या ज्यादा से ज्यादा जो काल बताया है उतना भी रहा, तो भी वो अंतर मुहूर्त काल में वो योग रह सकता है। विशेष अर्थ, तो नीचे योग, योग मध्य के नीचे वो अंतर मुहूर्त काल तक नहीं रह सकता है, क्योंकि वह योग स्थान कम है। प्रति समय मन वचन और काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेश परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं और इनके स्थानों को योग स्थान कहते हैं। योग स्थान तीन प्रकार के होते हैं, उपपाद योग स्थान, एकांत रुद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। भोग के प्रथम समय में स्थित जीवों की उपपाद योग स्थान होते हैं, जीवों का जीवों की
इसके पश्चात शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक एकांत रुद्धि योग स्थान होते हैं। यदि लब्ध पर्याप्त जीव होता है तो आयु के अंतिम तीसरे भाग को छोड़कर उपपाद योग के बाद अन्यत्र एकांत अनुरुद्धि योग स्थान होते हैं। पर्याप्त जीव हो तो उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी होगी और फिर उसके बाद परिणाम योग स्थान प्रारंभ होगा, लेकिन जो लब्ध पर्याप्त जीव उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी होती ही नहीं है तो फिर उसके परिणाम योग स्थान कब पाए जाएंगे ऐसा हो, इसलिए उसमें ये है काल एकांत अनुरुद्धि का काल कितना है, दो त्रिभाग आयु का और एक त्रिभाग जो है वह परिणाम योग स्थान। आयु बंधक के योग्य जो काल है उसमें ही वहां पर परिणाम योग स्थान पाया जाता है। इसके बाद शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के समय से लेकर या लब्ध पर्याप्त के अंतिम तीसरे भाग में परिणाम योग स्थान होते हैं। ये परिणाम योग स्थान यहाँ पर ये ना उन्होंने शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के समय से वहाँ पीछे उन्होंने सब पर्याप्तियों के बाद ऐसा दिया। ये परिणाम योग स्थान द्विइंद्रिय पर्याप्त के जघन्य योग स्थानों से लेकर सौद्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट योग स्थानों तक क्रम से वृद्धि को लिए हुए होते हैं। उसके आविर्भाव प्रतिच्छेद है वे क्रम से बढ़ते हुए पाए जाते हैं। इनमें आठ समय वाले योग स्थान सबसे थोड़े होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित सात समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित छह समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित पांच समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित चार समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे तीन समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं और इनसे दो समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। ये सब योग स्थान चार पांच छह सात आठ सात छह पांच चार तीन और दो समय वाले होने से ग्यारह भागों में विभक्त हैं। अतः समय की दृष्टि से इनकी यवाकार रचना हो जाती है। आठ समय वाले योग स्थान मध्य में रहते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में सात समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में छह समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में पांच समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में चार समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर आगे के भाग में क्रम से तीन समय और दो समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं। इनमें प्राप्त होते हैं इसका अर्थ लगा ऐसा लगता है कि वहां पर जो चार समय वाले है वहां पर रखना, ऐसा नहीं, जो है उसी को क्रम से समझना। इनमें से आठ समय वाले योग स्थानों की यव मध्य संज्ञा है। यव मध्य से पहले के योग स्थान थोड़े होते हैं और आगे के योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इन आगे के योग स्थानों में संख्यात भाग रुद्धि, असंख्यात भाग रुद्धि, संख्यात गुण रुद्धि और असंख्यात गुण रुद्धि, ये चारों रुद्धियां तथा यही चारों हानियां संभव है। नीचे से ऊपर देखते तो वृद्धि और ऊपर से नीचे देखेंगे तो हानि कहेंगे। इसी से इन योग स्थानों में उक्त जीव को अंतर मुहूर्त काल तक स्थित कराया है, क्योंकि योग स्थानों का अंतर मुहूर्त काल यही संभव है। देखिए कर्मकांड गाथा 218 आदि। शंका, जोग जव मज्जादो, इस सूत्र का अर्थ कहते समय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा योग यव मध्य संज्ञा वाले जीव मध्य से, जीव यव मध्य से ऐसा चाहिए, यव मध्य शब्द डालना वहां पर, जीव यव मध्य से आगे के स्थान में अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा, ऐसा क्यों नहीं कहते? योग यव मध्य से आपने काल के अपेक्षा से जो योग की यवा का रचना है उसका मध्य लिया, जीव की अपेक्षा से भी यवा का रचना होती है, वो अभी यहाँ आगे डिटेल बताने वाले,
कि नीचे के योग स्थान को धारण करने वाले जीव कम है, फिर ऊपर ऊपर के योग स्थान को धारण करने वाले जीव अधिक 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 पाए जाते हैं, बीच तक ऐसे जीवों की संख्या बढ़ती जाती है, फिर बीच से लेकर के ऊपर जो है योग स्थानों को धारण करने वाले जीवों की संख्या कम 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 होती जाती है। इस प्रकार जीवों की संख्या की अपेक्षा से भी यवा का रचना होती है, उसका डिटेल अभी गणित आने वाला है, इसलिए खाली इतना बता दे। तो वो योग मध्य क्यों नहीं लिया आपने, योग का योग मध्य लिया, जीव का योग मध्य क्यों नहीं लिया? बराबर, ऐसा प्रश्न है उसका समाधान नहीं। क्योंकि नहीं, ये रचना जो है योग की अपेक्षा से इस प्रकार रचना है, और इसमें से एक जीव समझो यहाँ पर योग की अपेक्षा से उसका परिवर्तन होगा तो वह योग योग मध्य को प्राप्त हो गया, तो योग मध्य से ऊपर के उसके योग स्थान होने लगे तो वह योग बढ़ता गया उसका, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते क्योंकि ज्यादा बढ़ता हुआ योग यहाँ अपन ले रहे हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ तो वहां अंतर्मुहूर्त काल तक उसका वो योग बढ़ता रह सकता है, क्योंकि वो ऊपर घूमने के लिए उसको बहुत योग स्थान है ऊपर, इसलिए वो अंतर्मुहूर्त काल तक एक जीव की अपेक्षा से कि वह यदि उसका योग की वृद्धि होती जाएगी तो कितने काल तक हो सकती है, ऐसे अंतर्मुहूर्त काल तक वो ऊपर योग में रह सकता है, या हानि होकर के भी वो ऊपर रह सकता है, ऊपर से नीचे आएगा या योग मध्य से ऊपर जाएगा तो उसके चार प्रकार की वृद्धि होगी, और ऊपर से नीचे आएगा तो उसके चार प्रकार की हानि होगी, तो ये होने के लिए काल कितना जा सकता है वहां पर, अंतर्मुहूर्त काल जा सकता है। चलो समाधान नहीं, क्योंकि जीव योग मध्य का आगे का स्थान पिछले स्थान से विशेष अधिक है, अतः वहां अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहना संभव नहीं है, क्योंकि वहां असंख्यात गुण वृद्धि नहीं पाई जाती। ये योग मध्य जो यहाँ निकाला ना योग का नीचे, उसका कहाँ आएगा? बीच में आएगा, थोड़ा सा ऊपर का अधिक है नीचे से, गुना नहीं है यहाँ पर। जैसे अभी अपन ने देखा था 2000 कितने आए थे, 56, और 63,480 आए थे, तो ऐसे इस प्रकार वह ये नहीं है, योग स्थान जो है वो असंख्यात गुने नहीं है, कुछ अधिक है, उसका भी प्रमाण अभी निकालेंगे कितना अधिक है वगैरह। तो थोड़े से ही अधिक होने से योग योग मध्य के ऊपर जीव गया तो चार प्रकार की वृद्धिवान ही हो सकती है, क्योंकि असंख्यात गुण वृद्धि होने के लिए उतने योग स्थान चाहिए ना, तो उतने वो असंख्यात गुण योग स्थान नहीं है नीचे से ऊपर, केवल अधिक ही है, इसलिए वहां पर असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि हो सकती है, लेकिन वहां पर संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी। जीव योग मध्य के ऊपर यदि जीव गया तो वहां उसके योग की दो प्रकार की वृद्धि होगी, चार प्रकार की नहीं होगी, हाँ असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी उसकी। इसलिए उसके लिए काल अंतर्मुहूर्त काल तक नहीं रह सकता है वहां पर। अब जीव योग मध्य के पिछले स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, इस बात का कथन करने के लिए प्ररूपणा प्रमाण श्रेणी अवहार भागाभाग और अल्पभूत्व इन छह अनुयोग द्वारों की योग स्थानों में स्थित जीवों को आधार करके प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। केवल क्या सिद्ध करना है, जीव की अपेक्षा से यवा का रचना है उसमें निचले योग स्थानों से ऊपर के योग स्थान अधिक है, गुने नहीं है, इसलिए वो जीव यव मध्य नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको अंतर्मुहूर्त काल तक रखा है और यह अंतर्मुहूर्त काल तक रह नहीं सकता। ये सिद्ध करने के लिए अभी आगे 40 पेज सब बताएंगे, जीव की यवा का रचना सब पूरी बताएंगे। तो इसमें 7 प्रकार से बताए ना अनुयोग द्वार, 6 बताए, 6 अनुयोग द्वार बताए। इतना पढ़ो वाचु जगन्य योग स्थान में जीव है, इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सब योग स्थानों में जीव है ऐसा सर्वत्र कथन करना चाहिए, प्ररूपना समाप्त हुई। जगन्य योग स्थान में असंख्यात जीव है, उनका प्रमाण असंख्यात जगत श्रेणियां है,
इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सर्वत्र जीवों की संख्या कहनी चाहिए। हर एक योग स्थान में एक साथ कितने जीव पाए जाएंगे? तो असंख्यात असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, क्योंकि कुल तरह से जीवों की संख्या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। उसमें से एक एक में जो होंगे वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, लेकिन कम। सब योग स्थान उनका भाग देंगे तो आ जाएंगे वहां पर। शंका, जघन्य योग स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, इस शंका का उत्तर कहते हैं, प्रतर अंगुल के संख्यात्वे भाग का बस को रहेगा नहीं तो, क्योंकि यहाँ पर वो सब विशेषार्थ तक पढ़ना पड़ेगा तभी ये पूरा रहित निर्योग स्वरूपी निज ध्रुव शुद्ध आत्मा का अनुभव कीजिए। वचन योग रहित ऐसा यह मैं अशब्द स्वरूप शुद्धात्मा हूं, मनोयोग रहित ऐसा यह मैं निर्विकल्प आत्मा हूं, सिद्धानं निवेदयामि।